3.16, वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इश्यूज। अब पहले ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट, क्लाइंट और सर्वर क्या है, क्लाइंट एंड सर्वर क्या है, ध्यान से सुनना। ये है एक कंप्यूटर, हाथ ऊपर कर, यस, ये है एक कंप्यूटर। इसके कंप्यूटर में क्रिकेट गेम इंस्टॉल है, कौन सी गेम, क्रिकेट गेम, थोड़ी सेड है। ये है एक कंप्यूटर, हाथ ऊपर कर, इसके कंप्यूटर में फुटबॉल गेम इंस्टॉल है, कौन सी गेम, फुटबॉल गेम। इसके कंप्यूटर में कौन सी गेम इंस्टॉल है, और इसके कंप्यूटर में स्टोरी सुन, क्रिकेट फुटबॉल। अब स्टोरी सुन, हे बॉय, थोड़ा चिल्ला कर लाउड, विच गेम यू लाइक टू प्ले, क्रिकेट। उसने क्या बोला, क्रिकेट। अब मैं जाऊंगा इसके पास, इसकी रिक्वेस्ट लूंगा, ऐसा कुछ देना www.cricket.com। मैं यहां पर आऊंगा, इसको बोलूंगा एक यूजर है जो तेरे कंप्यूटर में क्रिकेट गेम है, वो खेलना चाहता है, तो तू प्लीज वो यूजर की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर। अरे करेक्ट, ये रिस्पॉन्स करेगा और ये रिस्पॉन्स मैं यहां तक पहुंचा दूंगा ताकि इसके कंप्यूटर में क्रिकेट गेम दिखे। अरे करेक्ट, यस और नो, हे बॉय, विच गेम लाइक टू प्ले, क्रिकेट और फुटबॉल, चिल्ला ना, फुटबॉल। मैं जाऊंगा इसके पास, इसकी रिक्वेस्ट लूंगा www.football.com। यहां पर आऊंगा, इसको बोलूंगा एक यूजर है जो तेरे कंप्यूटर में फुटबॉल गेम है, वो खेलना चाहता है, तो प्लीज वो यूजर की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर। ये रिस्पॉन्स करेगा और ये रिस्पॉन्स मैं यहां तक पहुंचा दूंगा ताकि इसके कंप्यूटर में फुटबॉल गेम दिखे। अरे करेक्ट, अरे करेक्ट, अब स्टोरी सुनो, बहुत सिंपल है। अब ऐसी गेम बोल जो दोनों में नहीं है, विच गेम यू लाइक टू प्ले, बैडमिंटन। मैं जाऊंगा इसके पास, इसकी रिक्वेस्ट लूंगा www.badminton.com। यहां पर कौन सी गेम है, क्रिकेट, यहां पर कौन सी गेम है, फुटबॉल। क्या मेरे पास बैडमिंटन है, मैंने एरर मैसेज थ्रो कर दिया, द पेज कैनॉट बी डिस्प्लेड, कौन सा मैसेज थ्रो किया, द पेज कैनॉट बी डिस्प्लेड, करेक्ट, क्लाइंट, क्लाइंट, क्लाइंट आर दोस कंप्यूटर्स विच ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर डेटा, मांगते रहते, मांगते रहते। सर्वर आर दोस कंप्यूटर्स विच ऑलवेज गिव रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट ही करेगा और सर्वर ऑलवेज रिस्पॉन्स देगा। मेरा क्वेश्चन सुना अभी, दोनों में कॉमन चीज क्या थी, कंप्यूटर्स, क्लाइंट आर दोस कंप्यूटर्स, क्लाइंट भी कंप्यूटर ही है, सर्वर भी कंप्यूटर ही है, फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई मांगता है तो कोई देता है तो सब इंसान ही, नहीं समझा, अरे है ना, है तो सब कंप्यूटर ही। अब जैसे कि सुनो, हम सब इंसान है, अरे है कि नहीं छोरी, हम सब इंसान है कि नहीं, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ है बुक में, तो मेहनत कर रही है, हम सब इंसान है ही, फिर भी तू मुझे सर क्यों बोलता है रे, और तू मेरा क्लाइंट हुआ ना, तू मुझे सर क्यों बोलता है, नहीं रे, तू मुझे सर क्यों बोलती है, सीनियर, अरे तू मुझे सर क्यों बोलता है, तू क्या दे रहा हो भाई, तू मुझे सर क्यों बोलता है, हाँ, रिस्पेक्ट, ओ अभी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, नीचे जाके बोलेगा छोटू जरा, तू क्यों सर बोलती है, हाँ मैं सर हूँ, ऑफ कोर्स मैं आईटी का सर हूँ, किसका, जैसे कि ये लड़का, ये लड़का क्रिकेट का सर्वर था, ये कंप्यूटर, जैसे ये कंप्यूटर फुटबॉल का सर्वर था, वैसे मैं किसका सर्वर हूँ, आईटी का। तुम्हें अगर आईटी का कोई भी नॉलेज चाहिए ना, तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं आईटी का सर्वर हूँ, ठीक है। वैसे ही मान लो, शी इज वेरी गुड इन टैक्स, तो ये टैक्स का सर्वर, मैं क्लाइंट, नहीं समझा, शी इज वेरी गुड इन अकाउंट, ये अकाउंट का सर्वर, मैं क्लाइंट, अरे समझा, क्लाइंट एंड सर्वर सब कंप्यूटर ही है,
पर जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट, जो रिस्पॉन्स करता है वो सर्वर। समझा? वापस अभी अपने केस में आता हूँ। अपने केस में क्या था, ये क्रिकेट सर्वर, ये फुटबॉल सर्वर। इसने पहले क्रिकेट मांगा तो मैंने इसको क्रिकेट दिया, इससे फुटबॉल मांगा तो मैंने फुटबॉल दिया, इससे बैडमिंटन मांगा तो बैडमिंटन तो था ही नहीं तो मैंने इसको एरर मैसेज थ्रो किया, द पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। क्लाइंट आर दोज कंप्यूटर विच ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर सम डेटा, सर्वर आर दोज कंप्यूटर विच गिव रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। मैं कौन हूं? कौन भट्ट? मैं हूं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टाटा फोटोन, रिलायंस, एयरटेल, हैथवे, रहे ना, फोकट में इंटरनेट देता है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो चार्जेस सम नॉमिनल अमाउंट पर मंथ एंड प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मैं वो मिडलवेयर हूँ। कौन हूँ मैं? मिडलवेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे मोबाइल से www.yahoo.com करता हूँ, करेक्ट। मेरा मोबाइल हो गया क्लाइंट। मेरा मोबाइल क्या हो गया? क्लाइंट। मैं तो यूजर हूं। मेरा मोबाइल क्या हो गया? क्लाइंट। अब याहू जिस कंप्यूटर में है वो हो गया सर्वर, पर मेरा सिम कार्ड एयरटेल है, मेरे को इंटरनेट कौन देता है? वो मेरा ISP। कड़ल? समझा? ये क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझा तो आगे कुछ भी नहीं समझेगा। अरे हाँ के ना, वेरी गुड, समझाइए। अब हम एक्चुअल आंसर करेंगे, वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर। थोड़ा ये आंसर में मेहनत है, लिखना है, अभी नहीं, जो मैं बोलूंगा तब लिखना, ठीक है? पहले सुनो ध्यान से। ये देखो, ध्यान से सुनो, वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर क्या बोला है? सुनो, पहले सुनने का। अब ये है दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड, क्या बोला मैंने? क्या बन गया? नेटवर्क। ये और दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड, क्या बन गया? व्हाट इज दिस? नेटवर्क। इन शॉर्ट ये क्या बना पता है? ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, रहे ना? डायग्रामेटिकली दिखता बहुत अच्छा है, हाँ सर ईच कंप्यूटर कनेक्टेड विथ ईच अदर, पर इन रियलिटी ये ऐसा नहीं होता है। पूछो क्यों? पूछना क्यों? क्योंकि हर एक कंप्यूटर में, ध्यान से देख, तीन तीन सॉकेट चाहिए। अरे कंप्यूटर में तो या तो एक या तो मैक्सिमम दो, तीसरा कहाँ से लाए? अरे समझा? सो डायग्रामेटिकली दिखता ऐसा है, सही है, रियलिटी ये कैसा होता है ये सुन, डायग्रामेटिकली था ये एक्चुअल कैसा होता है सुनो। यही है चार कंप्यूटर, पर मैंने एक मीडियम के थ्रू कनेक्ट किया है। अरे करेक्ट, ये मीडियम है हब, स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर, ब्रिज, कुछ भी हो सकता है, नहीं समझा? ये सब का एक ही काम है कनेक्ट करना। फिलहाल हम इसको हब कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं? नेटवर्किंग की दुनिया में एक बात याद रखना, हब है तो सब है। हब फेल अटली बाटली फुटली, गेम ओवर। अरे करेक्ट, हब फेल सब फेल। तो कहने का मतलब पता है क्या है? अभी हब क्या है बताता हूँ। जो NFC सॉकेट है ना, वैसा हब के पास टोटल 6 सॉकेट है। कितने सॉकेट है? 6। यहां से एक वायर कंप्यूटर को लगा, एक हब को लगा, वैसा सेम। कितने सॉकेट MT है? मतलब मैं इन फ्यूचर में और दो कंप्यूटर ऐड कर सकता हूँ। अरे करेक्ट। अब स्टोरी सुन। मैं बोलता हूँ ये है क्लाइंट, ये सर्वर। अब अगर इसको सर्वर बोल दिया, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ है देने के लिए। तुम सब क्लाइंट हो ना? अब अगर मैं सर्वर हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ नॉलेज देने के लिए है। तो इसको सर्वर बोल दिया, भैया
तो इसके पास कुछ ना कुछ देने के लिए है। अरे करेक्ट। और वो क्या है वो मैं बता रहा हूं, सुनो। सर्वर, क्लाइंट, 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 स्टोरी सुनो। है तो सब कंप्यूटर ही ना। अब मैं बोलता हूं इसके पास है प्रिंटर, इसके पास क्या है? प्रिंटर। तो ये पता है क्या हो गया? प्रिंटर सर्वर। क्या हो गया? प्रिंट सर्वर। जैसे कि इसके पास क्रिकेट गेम है, क्रिकेट सर्वर, फुटबॉल सर्वर, आईटी सर्वर, टेक सर्वर, प्रिंट सर्वर। अरे करेक्ट, अरे करेक्ट, यस और नो? अच्छा, क्या मैं ये डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? ये डायग्राम को क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? Yes, मैंने कुछ नहीं किया है, ये वायर निकल के यहाँ वायर डाल दिया और ये इधर से इधर, बस खत्म। तो क्या ये दिखने में अच्छा लगता है? अरे करेक्ट। पहला पॉइंट स्टार्ट करें। अब सुनो, ये जो कंप्यूटर्स है ना, उसमें जो सर्वर है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन सुनो क्या है। डेल और विंडोज 7 है। ये जो क्लाइंट है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन सुनो क्या है। सैमसंग और विंडोज XP है। ये है ना सोनी विंडोज 10 और ये लेनोवो विंडोज 8। और मुझे एक बात बताओ, इसके पास प्रिंटर अटैच्ड है, ओके। मुझे एक बात बताओ, सर्वर का हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है? इसका भी हार्डवेयर, सबका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग है, करेक्ट? क्या फिर भी डेटा शेयर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। सी मेरा मोबाइल सैमसंग का, इसका मोबाइल सोनी का, फिर भी हम ब्लूटूथ से डेटा सेंड कर सकते हैं। अरे करेक्ट। जरूरी थोड़ी है भाई मेरा लैपटॉप एसर का और फेसबुक का जो सर्वर है उसका तो बहुत हाई कॉन्फिगरेशन है, तो जरूरी थोड़ी मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। देन टू आई कैन एक्सेस facebook.com, यस और नो? यस। सो पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, अब चालू हुआ आंसर, अब चालू हुआ। क्लाइंट कैन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड सर्वर कैन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। पहला पॉइंट समझा? समझा। दूसरा पॉइंट, स्टोरी सुन, दूसरा पॉइंट। अब ये जो है ना, ये विंडोज XP बहुत आउटडेटेड है, मैं इसको अपग्रेड करता हूं। क्या करता हूं? अपग्रेड। तो पहले था ये, अब मैं इसको अपग्रेड करता हूं, अपग्रेडेड टू डेल विंडोज 13। अब मुझे एक बात बता, अगर मैंने ये कंप्यूटर को अपग्रेड किया, क्या ये सबको अपग्रेड करने की जरूरत है? नहीं। मतलब आइदर क्लाइंट कैन बी अपग्रेडेड और सर्वर कैन बी अपग्रेडेड विदाउट अपग्रेडिंग द अदर PC इन द नेटवर्क। जरूरी नहीं कि एक को अपग्रेड करो तो सबको करो। अरे करेक्ट। दूसरा पॉइंट समझा? तीसरा पॉइंट मेरे बच्चों, मैंने मेरे कंप्यूटर से www.yahoo.com किया एंटर, तो वेबसाइट खुला कहाँ? क्लाइंट के एंड पर के सर्वर के एंड पर? क्लाइंट के एंड पर। तो एक्शन इज इनिशिएटेड एट क्लाइंट एंड, एक्शन इज इनिशिएटेड एट वेबसाइट खुला तो क्लाइंट के एंड पर ना? अरे करेक्ट। सो एक्शन इज इनिशिएटेड एट क्लाइंट एंड। अरे करेक्ट। अच्छा चौथा पॉइंट, एंड यूजर पर्सनल कंप्यूटर आर कॉल्ड क्लाइंट। अब जो तुम्हारे घर पे जो कंप्यूटर है उसमें कुछ ऐसा है जो किसी को काम आ सकता है पूरे वर्ल्ड को? नहीं। तो एंड यूजर जो अपने पर्सनल कंप्यूटर है ना, वो क्लाइंट हो गए। क्या हो गए? क्लाइंट। अरे करेक्ट। पांचवा पॉइंट, सर्वर कैन एबल टू सर्व मल्टीपल क्लाइंट। अरे करेक्ट। एंड इवन क्लाइंट कैन हैव मल्टीपल सर्वर। नहीं समझा? ये टेली सर्वर। अरे करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर देयर इज अ मिडलवेयर। मिडलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कनेक्ट, यूज्ड टू इंटरेक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अरे करेक्ट, करेक्ट। पढ़ते हैं, पहले कोई मार्किंग नहीं, कुछ लिखना नहीं, पहले सिर्फ समझोगे तुम, ये आंसर बहुत काम का है। वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर, सबसे वर्किंग ऑफ क्लाइंट, सबसे दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं।
एंड यूजर पर्सनल कंप्यूटर आर द क्लाइंट्स. अरे करेक्ट करेक्ट, मैं पहले सिर्फ रीड कर रहा हूं, समझो. क्लाइंट आर इंटरकनेक्टेड बाय लैन, क्लाइंट कनेक्टेड बाय लैन एंड कैन शेयर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग विद सर्वर. यस, दे कैन शेयर देयर डेटा टू सर्वर. क्लाइंट एंड सर्वर कैन ऑपरेट ऑन सेपरेट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म. समझा? सेपरेट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म समझा? यस और नो? Either the client platform or the server platform can be upgraded without having upgrade to other platform. Samjha? Yes or no? The server is able to service multiple client and client can access to multiple server. Correct. Action is usually initiated at client end. Done. Middleware is a software need to allow client and server to interact. Full stop. Last line cut. Generally, general se cut. Full stop.